हाँ जी फिर किदा लग रहा है ब्लॉग छड़ा है वधिया चल रहा वीडियो मजा आ रहा देखने का। चलो जी हूँ आप सैकेंड ट्रिप शुरू हो रहा सा इतने तो हूँ आप चलिए मणिकरण वाले पास न हो सकता मणिकरण पुजन ना पुजन लॉकडाउन भी है बाकी देखो किस्मत है पहुँच गए तो ठीक है नहीं पहुँच गए तो घर मुटे आना है जी नेरा थोड़ा हो गया लगभग 5:30 बज गए हो असी जाना है 90 किलोमीटर के आस पास टाइम लगना 3 से 4 घंटे के बिच बिच रस्ता खराब है थोड़ा तो इस रस्ते अ चले भी पहली बारी इन्हें बाकी गूगल बाबा जिंदाबाद देखो टाइम सही दसा था कि गलत हो तो पुछद पता लगना है जी इदा देखा सा बिल्ला म्याऊं बिल्ला कर म्याऊं बर्फ रुक जा भाई रुक जा जान दे बस बिल्ला बिल्ले चुके हैं मणिकर्ण और मणिकर्ण में यहाँ पे गर्म पानी में हॉट शावर लेते हुए इतना पानी पानी इतना गर्म है कि पैर डालना इसमें मुश्किल है और यहाँ आके ना पूरे दिन की थकान जो है वो एकदम से सभी हमारे मित्र देखो यहाँ पे नहाने का मजा ले रहे हैं फुल हॉट शावर कौन सा नशा मेरा यार करता है अभी आधी रात बनाता है हैविंग लंगर गुरुद्वारा साहिब तरह से सजाया है इसको दिखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है
धूप अभी आई नहीं है, धूप भाई ऊपर पहाड़ों के ऊपर बर्फ दिख रही है सामने, यहाँ भी अगर 5-7 दिन और लेट आते तो यहाँ भी बर्फबारी देखने को मिलती है। अब देख रहे हो तो आगे धुएं की लपटें उठती दिख रही हैं, वो गर्म पानी जो नेचुरल है यहाँ पे नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग है उससे गर्म पानी की लहरें निकलती दिखाई दे रही है। शायद कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ सामने द्वारा है, हाँ नीचे ये गर्म पानी के चश्मे हैं शिव मंदिर के बगल में, लोग यहाँ पे गर्म पानी में नहा भी रहे हैं, इसी पानी में यहाँ पे जो चावल है लचंदी उबाले जाते हैं, इसे अलग से आग नहीं जलाई जाती है, वही खाना यहाँ पे सर्व किया जाता है। ये गुरुद्वारा साहिब में हम घूम रहे हैं बाहर कैंपस में, ठीक है जी। यहाँ से ये सामने तालाब है जो आजकल कोरोना के चलते बंद करा हुआ है, वरना यहाँ कोरोना से पहले यहाँ लोग नहाया करते थे, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते ये बंद है। अगर मणिकर्ण साहिब के इतिहास की बात करें तो मणिकर्ण के ब्रह्मांड पुराण में सबसे उत्तम कुलांत तीर्थ में स्थित श्रेष्ठ तीर्थराज माना गया है। ब्रह्मांड पुराण में इस तीर्थ का नाम वेदहरी हर कहा गया है, इसका दूसरा नाम मार्देश्वर और तीसरा नाम चिंतामणि है। यहाँ भगवान शंकर जी ने माता पार्वती के साथ 11,000 वर्ष तक तपस्या की। एक दिन जल क्रीड़ा करते समय माता पार्वती जी की चिंतामणि गिर पड़ी, सो सीधा पाताल लोक में शेषनाग के पास पहुंची। तो इसके उत्तराधिकारी या तो भगवान शंकर जी थे या शेषनाग। शंकर जी ने अपने गणों को मणि तलाश करने की आज्ञा दी, लेकिन मणि प्राप्त नहीं हुई। इस पर शंकर जी ने क्रोध होकर अपने तृतीय नेत्र खोलने लगे, जिससे सारी पृथ्वी जो है हाहाकार मच गया। शंकर जी के नैनों से नैना देवी प्रकट हुई, मणिकर्ण नैना देवी का जन्म स्थान है। नैना देवी ने पाताल में जाकर शेषनाग को मणि लौटाने को कहा, शेषनाग के द्वारा मणि भेंट कर दी गई और इस स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ गया। तो आप इस स्थान का महत्व अब समझ ही गए होंगे, शंकर जी ने जो है माता पार्वती को यह मणि पहुँचाने के कहा कि शेष मणि को पत्थर स्वरूप शाप दिया कि कलयुग में जीव आकर झगड़ा ना करे। यह समस्त इलाका गर्म है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6,000 फीट है। पंकज भाटिया @PankajBhatia आप इसको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अभी देखो आप इधर तो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी श्रद्धालु आज आए हुए हैं, अ लॉट ऑफ गैदरिंग अराउंड हियर एंड यू कैन सी पीपल
hanging around here in this bridge. This is the place where Guru Nanak Dev comes to visit the long centuries ago, and यहाँ पे उन्होंने उस समय एक नीम रखी थी। तो इतिहास के पन्नों में आज एक खूबसूरत जगह मणिकर्ण की वादियों में कसौल वैली में आपको देखने को मिल जाएगी। परिवार के साथ आप किसी भी सीजन में यहाँ पे आइए। गाड़ी यहाँ से बेल पार्किंग है, रहने के लिए आपको गुरुद्वारा जो मणिकर्ण साहिब है उनकी तरफ से आपको अकोमोडेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी आप उसके साथ में प्रसादा के रूप में आपको वहाँ पे मिलता है। और ना पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग भी आप देख सकते हैं मल्टी स्टोरी पार्किंग है सामने, हमारी गाड़ी भी यहीं पे पार्क हुई है। और सामने जो ये बिल्डिंग दिख रही है इस तरफ, यहाँ पे इसी बिल्डिंग में सामने हमने रात को स्टे किया था। आपको जो रहने के लिए बेडिंग थी, आपका लॉजिंग था, सब फ्री ऑफ कॉस्ट था। गुरुद्वारा कमेटी जो है बहुत ही हेल्पफुल है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है, एकदम सेफ एंड सिक्योर है। बेल टॉयलेट बाथरूम सब यहाँ कनेक्टेड आपको मिलते हैं। और फैमिली के साथ आने के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर आप कभी भी आइए। तो ठीक है दोस्तों, फिर आपको अगर ये जगह अच्छी लगी है तो आप आइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और मिलती है, बोलना पड़ता है। चलो चलो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।